हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम ये रोज़ फ्लावर ग्रैनी स्क्वायर में डिज़ाइन बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 6 चेन स्टिच लेंगे, 1 2 3 4 5 6, और पहले स्टिच पे इसे स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। फिर 5 चेन स्टिच लेंगे, फिर यहाँ पे 1 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन स्टिच, फिर 1 डबल क्रोशे लेंगे, फिर 2 चेन स्टिच, और ऐसे ही राउंड कंप्लीट होगा। ये राउंड कंप्लीट है। अब इस 3rd स्टिच पे इसे स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। उसके बाद 1 सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर 1 डबल क्रोशे, उसके बाद 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे लेंगे, फिर 5 डबल क्रोशे, और लास्ट में सिंगल क्रोशे। इस तरह से मीन्स यहाँ पे 1 डबल क्रोशे है, 1 सिंगल क्रोशे है लास्ट में, और यहाँ पे भी 1 सिंगल क्रोशे है, और बीच में 4 डबल क्रोशे है। सो इस तरह से ये राउंड भी कंप्लीट होगा। ये राउंड कंप्लीट है, देखिए। अब यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशे से जॉइन कर देंगे। फिर 5 चेन स्टिच लेंगे, 2 3 4 5, यहाँ पे भी इसे सेम इसी तरह से सिंगल क्रोशे करके जॉइन करेंगे। अब ऐसे ही चेन, जो चेन स्टिच है, ये पूरा इस तरह से बनेगा। यहाँ पे ये राउंड भी कंप्लीट है। इस तरह से देखिए, फिर चेन स्टिच बना हुआ है। अब इसे यहाँ पे यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। यहाँ पे सिंगल क्रोशे लेंगे, उसके बाद हमें 7 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 5 6, सिक्स, सेवन, और यहाँ पे उसके बाद सिंगल क्रोशे बनेगा। देखिए, अब सेम इसी तरह से हर एक जो स्टिच लिया हुआ है यहाँ पे, सब स्टिच पे इस तरह से जो ये पेटल है वो बनाएंगे। ये राउंड कंप्लीट है। अब यहाँ पे इसे जॉइन करेंगे। यहाँ पे सिंगल क्रोशे से इसे जॉइन कर देंगे। फिर 5 चेन स्टिच लेंगे, और यहाँ पे सिंगल क्रोशे से जॉइन करेंगे। फिर 5 चेन स्टिच लेंगे, देखिए इस तरह से चेन स्टिच ये पूरा बनाएंगे यहाँ पे। देखिए इस तरह से चेन स्टिच बना लिया है। अब यहाँ पे इसे जॉइन करेंगे। फिर ये जो चेन स्टिच है, यहाँ पे सिंगल क्रोशे लेंगे। फिर हमें 9 डबल क्रोशे लेना है। 1 2 3 4 5
फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और लास्ट में हम सिंगल क्रोशे लेंगे। इसी तरह से हर एक चेन स्टिच पे, हर एक स्टिच पे ये वाला इस तरह से पेटल जो है वो बनाएंगे। देखिए फ्लावर कंप्लीट है, यहाँ पे मैंने इसे बंद किया है। देखिए इस तरह से चेन स्टिच ले लिया है। अब यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे, इस तरह फ्रंट की तरफ करेंगे और थ्री चेन स्टिच लेंगे, फिर यहाँ पे सिक्स डबल क्रोशे लेना है। सिक्स डबल क्रोशे ले लिया है, अब वन चेन स्टिच लेंगे और यहाँ पे भी सिक्स डबल क्रोशे लेंगे। सिक्स डबल क्रोशे लिया है, अब यहाँ पे हमें जो सातवां सेवन डबल क्रोशे लेना है, एक्चुअली यहाँ पे सिक्स डबल क्रोशे लिया है, जो सातवां डबल क्रोशे होगा वो यहाँ पे होगा। उसके बाद यहाँ पे हमें फिर सेवन डबल क्रोशे लेना है, यहाँ पे सेवन डबल क्रोशे ले लिया है। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और फिर वन चेन स्टिच लेंगे और यहाँ पे सिक्स डबल क्रोशे लेंगे और यहाँ पे सेवन। देखिए इस तरह जैसे यहाँ पे किया था वैसे ही करेंगे और इस तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। ये राउंड भी कंप्लीट है। देखिए यहाँ पे जो वन स्टिच लिया था ये चारों तरफ, क्योंकि यहाँ ये स्क्वायर शेप में बनेगा इसलिए यहाँ पे वन स्टिच लिया है। अब इसे यहाँ थर्ड स्टिच पे ज्वाइन करेंगे। अब वूल चेंज करके थ्री चेन स्टिच लेंगे, वन टू थ्री, यहाँ पे वन डबल क्रोशे, यहाँ पे भी वन डबल क्रोशे लेंगे। इस तरह से हमें हर एक स्टिच पे वन वन करके डबल क्रोशे लेना है। यहाँ तक ले लिया डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे टू डबल क्रोशे लेंगे, फिर थ्री चेन स्टिच लेना है, यहाँ पे फिर टू डबल क्रोशे, फिर यहाँ पर वन डबल क्रोशे लेंगे। देखिए यहाँ पे वन डबल क्रोशे। इस तरह से हमें यहाँ तक वन डबल क्रोशे लेना है हर एक स्टिच पे। देखिए यहाँ तक डबल क्रोशे ले लिया है, अब यहाँ पे भी टू डबल क्रोशे जैसे यहाँ पे किया था सेम उसी तरह से करेंगे और ये जो राउंड है ये भी कंप्लीट होगा। देखिए यहाँ तक कंप्लीट है, अब इस थर्ड स्टिच पे से ज्वाइन करेंगे, थ्री चेन स्टिच लेंगे, फिर इसके नेक्स्ट स्टिच पे वन डबल क्रोशे, यहाँ तक हमें वन डबल क्रोशे लेना है हर एक स्टिच पे। यहाँ तक ले लिया है वन डबल क्रोशे, अब यहाँ पे टू डबल क्रोशे लेना है, फिर थ्री चेन स्टिच, फिर टू डबल क्रोशे, इस तरह से। अब यह नेक्स्ट स्टिच पे वन डबल क्रोशे लेंगे, अब हर एक स्टिच पे वन वन करके यहाँ तक वन डबल क्रोशे लेना है। यहाँ तक डबल क्रोशे ले लिया है, अब इस कॉर्नर में भी सेम इसी तरह से करेंगे हर कॉर्नर पर, और ऐसे ही राउंड कंप्लीट होगा।
देखिए फ्रेंड्स, ये जो रोज़ फ्लावर ग्रैनी स्क्वायर है ये कंप्लीट है। इसे यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे और यहीं पे इसे बंद कर देंगे। ज्वाइन कर देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में मैंने इसे यहाँ पे बंद कर दिया है। ध्यान में रखने वाली बात इसमें ये है कि जो डबल क्रोशे का नंबर है वो सही से होना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, पहला जो रो है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 डबल क्रोशे है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी 14 है, यहाँ पे भी 14 और यहाँ पे भी 14। और जो सेकंड रो है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 सेकंड रो में 17 है। और जो थर्ड रो है उसमें 1, यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 सो 21 डबल क्रोशे है थर्ड रो में। सो इसी तरह से मीन्स यहाँ पे भी सेम नंबर होगा डबल क्रोशे का। तो इसलिए ये ज़रूरी है, जब बाद में हम कोई दूसरा पीसेस मतलब इसके साथ ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने में प्रॉब्लम होता है अगर एक भी जो डबल क्रोशे का नंबर इधर उधर हो जाए। तो देखिए कुछ और पीसेस बनाए हुए हैं, इनको अब हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए आप जो कॉर्नर है किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे जो थर्ड चेन स्टिच लिया था बीच वाले स्टिच से हम हुक को इस तरह से लेके जाएंगे अंदर। फिर जो दूसरा जो पीस है सेम राइट में जो पीस है हमारा वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। फिर जो वूल है उसे फ्रंट की तरफ लेके आएंगे। फिर सेम इसी तरह से जो नेक्स्ट स्टिच है देखिए यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट स्टिच है इस तरह से। हाँ देखिए फ्रेंड्स, ज्वाइन कर लिया है। अब किनारे पे हमें डिज़ाइन देना होगा। किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेकेंड जो सेकेंड स्टिच है यहाँ पे स्लिप स्टिच लेंगे। फिर इस कॉर्नर पे हमें 10 डबल क्रोशे बनाना है। 1, 2 10 डबल क्रोशे ले लिया है। अब 1, 2, 3, 4 ये फोर्थ स्टिच पे सिंगल क्रोशे से इसे ज्वाइन करेंगे। फिर 1, 2, 3, 4 यहाँ पे सेम उसी तरह से हमें 10 डबल क्रोशे लेना है। और ये चारों तरफ इसी तरह से बनाना है।